आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीड़ के परली में रैली की और कांग्रेस व एनसीपी को कई मसलों पर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि युवा कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ रहे हैं और बुजुर्ग वहां निराश हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कश्मीर के मसले पर विपक्षी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपको कश्मीर जाना है तो मुझे बताइए, मैं इंतजाम करूंगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि यह फैसला देश को बर्बाद कर देगा। 3 महीने हो गए हैं, क्या देश बर्बाद हो गया? एक और कांग्रेस नेता ने कहा कि 370 हटाकर हमने कश्मीर को खो दिया है। मैं याद दिलाता हूं, ये कैसा कैसा बोले थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको याद आ जाएगा, पूरे महाराष्ट्र को याद आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को याद आ जाएगा। एक ने कहा था ये फैसला, यानी 370 हटाने का फैसला, ये किसी की हत्या करने जैसा है। वाह क्या सीन है। एक नेता ने कहा ये भारत की राजनीति का काला दिन है। एक नेता ने कहा केंद्र ने जो फैसला लिया वो लोकतंत्र के खिलाफ है। एक बार बड़े नेता ने कहा कि भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो गया। एक और नेता ने कहा कि इस फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा कश्मीर से 370 हटाने का फैसला किसी की हत्या करने जैसा है। मोदी ने कहा, एक नेता ने कहा कि ये भारत की राजनीति का काला दिन है। एक नेता ने कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और एक बड़े नेता ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश की एकता अखंडता में कांग्रेस को हिंदू मुसलमान नजर आता है और इतिहास में जब भी 370 की चर्चा होगी तो देश हित में किए निर्णय को विरोध करने वालों का, उनके बयानों का जिक्र जरूर होगा। पीएम मोदी ने कहा, विरोधी दल के नेताओं को चिंता हो रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मैं आज भीड़ से उनको बता दूं कि भाजपा के पास लगन से कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, तभी वो दिलों को जीतते हैं और दलों को जिताते हैं। कांग्रेस के अधिकतर नेता आज आपस में एक दूसरे से निपटने में लगे हैं। इनकी युति में जो युवा नेता थे वो भी साथ छोड़ रहे हैं और वरिष्ठ नेता आज हताश निराश हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया के समर्थन में प्रचार किया। मिश्रा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मुझे कमलनाथ सरकार के झूठे वादों, गलत इरादों से पीड़ित गरीब शोषित वंचित किसान का असहनीय दर्द महसूस हुआ। मिश्रा ने कहा, जनता ने हमारा 15 साल का शासन भी देखा है और कमलनाथ का 9 महीने का। आप दोनों का आंकलन कीजिए और फिर बीजेपी को वोट दीजिए। ये कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार है जिसके एक प्रत्याशी कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया, एक प्रत्याशी भाजपा के भानु भूरिया है। ये अंतर दोनों में, अगर भानु भूरिया जीतेगा तो भाजपा की सरकार बनाने के लिए हाथ उठाएगा, कांतिलाल जीतेगा तो कांग्रेस के लिए हाथ उठाएगा। तय आपको कर रहे हैं गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है मेरे कार्यकर्ता बनने। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान झाबुआ में बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि महाजनसंपर्क अभियान चलाकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की पोल खोल कर रखते और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार और कमलनाथ की 9 महीने की सरकार का अंतर भी मतदाता को समझाइए। भोपाल में गेमन के पिछले हिस्से में तुलसीनगर चक्की चौराहे के आसपास बचे हुए 41 सरकारी क्वार्टर्स को हटाने का स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों ने अमले के साथ सरकारी आवासों और झुग्गियों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की थी, तभी लोग उनके विरोध में मौके पर पहुंच गए। स्थानीय पार्षद अमित शर्मा का कहना था कि उनके एरिया में बगैर पूछे शिफ्टिंग कैसे शुरू की गई। इसके बाद मौके पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंच गए, जहां मंत्री को लोगों के गुस्से से रूबरू होना पड़ा। मंत्री ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कहा कि चक्की चौराहा तुलसीनगर क्षेत्र के आसपास के सरकारी आवास कर्मचारियों से तब तक खाली नहीं कराए जाएं जब तक उन्हें उपयुक्त आवास नहीं दिए जाते।
हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं, हम लोग मकान नहीं खाली करेंगे। अगर हमें हमारे मनपसंद मकान नहीं मिलेंगे, हमें पात्रता के अनुसार मकान नहीं मिलेंगे, हमें मकान नहीं खाली करेंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों को कुछ समय के लिए एस टाइप मकान दिए जाएंगे, आपको उसमें शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर वो भी हमें पसंद नहीं आए तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। कुछ मकान शिफ्ट होना है यहाँ से, जिससे काम की प्रोग्रेस हो सके। आई टाइप के इनको मकान अलॉट हो गए हैं जहाँ इनको जाना है, लेकिन वहाँ कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इनका ये कहना है कि जब तक उसमें पूरा पीडब्ल्यूडी काम कर दे, व्यवस्था ठीक हो जाए। मुकुल गुप्ता जो संपदा के अधिकारी हैं उनसे भी मैंने बात की, और स्मार्ट सिटीज़ का कि जब तक इनकी पूरी सेटलमेंट वहाँ नहीं हो जाता है जहाँ नई जगह पर जाना है, तब तक आप इनको डिस्टर्ब नहीं करें, और दो चार दिन में हो जाएगा, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। इधर टीन शेड के आसपास 70 दुकानदार गुमटियों के अतिक्रमण से परेशान हैं। उनका कहना है कि सड़क और नाली निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने 3 लगा दिए, इसके अलावा यहां लगी गुमटियों को आगे खिसकाया गया है। वहीं प्याऊ और झंडा बंधन वाले स्थान पर नई गुमटियां काबिज हो गई हैं, जिसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। ये लोग इस मामले की शिकायत जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, निगम आयुक्त से लेकर कलेक्टर तक से कर चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं कर रहा है। ग्वालियर का आत्मदीप किरार जोधपुर रेजिमेंट की 126 बटालियन में तैनात था। 14 तारीख की सुबह सेना के इस 21 वर्षीय नौजवान का आकस्मिक निधन हो गया। निधन के समय अमनदीप ऑन ड्यूटी थे और हॉकी खेलते समय उनके सीने में अचानक दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए जोधपुर के MH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अमनदीप कुछ दिन पहले लेह में पोस्टेड था, 2 दिन पहले ही अमनदीप रेजिमेंट में पोस्टिंग होकर आया था। भारतीय सेना के जवान शहीद जवान अमनदीप किरार का पार्थिव शरीर ग्वालियर लेकर आए, जहाँ खुररी शमशान में शहीद जवान के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि की गई। छतरपुर में एक और रिश्वतखोर अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। छतरपुर के गोरियारा जनपद के CO जयशंकर तिवारी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर अधिकारी सचिव रॉबिन मिश्रा से 5 लाख की सड़क निर्माण के बिल पास करने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत सचिव ने सागर लोकायुक्त से की थी। आज जैसे ही जनपद में CO को सचिव ने रिश्वत दी, वैसे ही सागर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उन्हें रंगे हाथों दर दबोचा। मामला ये है कि सांसद निधि आज से 1.5 साल पहले आई थी, 1.5 साल पहले हमने पूरा काम करवा दिया था उसका, तो सेकंड किस्त आई है, सेकंड किस्त इनके जमाने में आया, इनके कार्यकाल में, तो उसमें इन्होंने क्या है खाते में पैसा डाला, दुकानदारों का पैसा देना था, उसमें इन्होंने 10,000 रुपये कमीशन मांगी, तो 2% के हिसाब से 10,000 रुपये इन्होंने अभी ले लिए, 10,000 रुपये मांगा था 5 लाख रुपये जी, और इसके पहले 1 लाख रुपये हमसे फुट कर फुट कर लिया। आज हमने जनपद पंचायत CO गोरीहर को 10,000 रुपये लेते पकड़ा है। रॉबिन मिश्रा आवेदक ने जो है 9 तारीख को शिकायत की थी कि पंचायत के कामों के लिए जो है वो CO साहब जो है 2% कमीशन की मांग कर रहे हैं, 10,000 की मांग कर रहे हैं। उसको हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज स्टेट की कार्रवाई की, और आज हमने उनको 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत विधिवत कार्रवाई की जा रही है। दिवाली से पहले घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। बैराड़ में आजाद खान चोरी छुपे अपने घर में पटाखे बना रहा था, उसी समय घर में विस्फोट हो गया। इस घटना में घायल हुए सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए बैराड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मकान मालिक आजाद खान की हालत बिगड़ने पर उसे शिवपुरी रेफर किया गया। इस घटना में आजाद की पत्नी रुखसाना और बेटा इसराइल भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इनके सिर में चोटें लगी हैं। वो तो गनीमत रही कि घर में ज़्यादा बारूद नहीं रखा था, वरना नुकसान ज़्यादा होता। घटना की जानकारी मिलते ही रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर से अवैध रूप से पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले बारूद के अलावा बाकी सामान को जब्त कर लिया। इस इलाके में कई घरों में ऐसे ही अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम चल रहा है, यहाँ पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं। इसके बाद कुछ दिन तक तो सख्ती रहती है, फिर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी धंधे में जुट जाते हैं। दिवाली के वक्त ये काम और बढ़ जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जिस घर में ये धमाका हुआ उसके आसपास के भी कई मकानों की जाँच की जा रही है, ताकि दोबारा ऐसी वारदात ना हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।